class 3. So students, today we will learn about continue lesson. In last video we learn about this chapter number 4, and chapter is the keys to heaven. And today also we learn about this lesson chapter number 4, and chapter name is the keys to heaven. This Swargi Chavi. In previous video we learn scene 1, जो कृष्णदेवराय की कोर्ट में है, वो सीन के बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में हमने सीखा. सो नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट सीन 2. सीन 2 कहाँ पे किया जा रहा है? विलेज में, गांव में. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. द विलेज, द विलेज means gaon. A sadhu with a long beard and wearing a saffron kurta is sitting on a platform under a tree. Means village mein sadhu jo hai wo long beard means lambi dhadi hai uski, aur usne saffron color ka kurta pehna hai, means orange color ka, kesari color ka कुर्ता पहन के वो कहाँ पे, ट्री के नीचे जो प्लेटफॉर्म है, नीचे से बैठने की जगह है, वहाँ पे बैठा है, ट्री के नीचे बैठा है. His eyes are closed. साधु की आईज क्लोज्ड, बंद है. A crowd of people, students, crowd में क्राउड मीन्स भीड़ जमा होती है, उसको क्राउड कहते हैं. A crowd of people is waiting for him to open his eyes and rest them. वहाँ पे जो भीड़ जमा हुई है, वो पीपल ये साधु की आईज ओपन होने की वेट कर रहे हैं, और उनका आशीर्वाद पाने के लिए वेट कर रहे हैं. तेनाली रामा एंटर्स एंड स्टैंड्स अमंग द पीपल. तेनाली रामा आते हैं और सारे लोगों के बीच वो भी खड़े रहते हैं, क्योंकि कृष्ण देवराया ने उनको भेजा है. साधु कैसा है, रियल है या फेक है, ये जानने के लिए, क्योंकि कृष्ण देवराया कह रहे थे जो रियल साधु है वो कभी सर्विस करने के लिए, दूसरों के काम करने के लिए पैसे वो सब नहीं रहते हैं. तो उन्होंने तेनाली रामा को भेजा है कि आप खुद जाके आओ और जांच करो कि ये साधु कैसा है. इसलिए तेनाली रामा ये फाइंड करने आया है कि साधु रियल है कि फेक है. सो पीपल की क्राउड में तेनाली रामा भी खड़े रहे हैं. नाउ विलेजर वन सेज, वहां पे एक गांव वाला है, वो बोला द ग्रेट सेंट इज ओपनिंग हिज आईज, महान संत अपनी आईज ओपन कर रहे हैं. एवरीवन बोज टू द साधु, सारे जो है भीड़ जमा हुई है वो पीपल साधु को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं. बोज मीन्स नमन करना. ओके, नाउ विलेजर टू, वहां पे एक दूसरा गांव वाला है, वो कहता है कैरिंग अ लार्ज सैक ही पुट्स इट इन फ्रंट ऑफ द साधु. एक बड़ा सा एक बड़ी सी बोरी लेकर आता है और वो साधु के पैर पे, मीन्स पैर के आगे रखता है. योर होलीनेस, हे संत, प्लीज एक्सेप्ट दिस सेक ऑफ राइस एज माय हम्बल ऑफरिंग टू यू. मीन्स वो विलेज दूसरा गांव वाला है, वो बोरी में क्या भर के लाता है, राइस, और वो साधु को रिक्वेस्ट करता है कि मेरी नम्र विनती है कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ ये
meaningful cleanse dikha. The assistant lifts the sack and takes it away. Assistant sadhu ke jo sadhu ka ishara samajh gaye aur wo sack lene gaye aur sack liya aur wo jo bori thi rice se bhari hui wo lekar dur chala gaya. Then sadhu says, my child, you have pleased me. Means, मेरे बच्चे तुमने मुझे बहुत खुश किया. Please means आनंदित करना होता है. तुमने मुझे बहुत खुश किया है. I will definitely make you rich. मैं तुझे certainly अमीर बना दूंगा. To begin with a need to perform a puja at your house. Means इसके लिए हमें तेरे घर पे एक पूजा रखनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी. विनेजर टू से थैंक यू योर होलीनेस. विनेजर मीन्स गांव वाला, दूसरा गांव वाला है. उसने क्या कहा? धन्यवाद संत. प्लीज टेल मी व्हाट आई नीड टू डू. मीन्स प्लीज मुझे कहिए कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, पूजा के लिए मुझे क्या करना होगा. साधु से डियर चाइल्ड, गिव मी टू गोल्ड कॉइन्स टूवर्ड्स द एक्सपेंसेस फॉर द पूजा. मीन्स मेरे बच्चे मुझे दो सोने के सिक्के, दो पूजा के खर्चा करने के लिए, पूजा के लिए जो सामान वामान लाना होगा उसके लिए वो साधु गोल्ड कॉइन्स मांगता है. पूजा के लिए जो खर्च आएगा उसके लिए तुम मुझे दो सोने के सिक्के दे दे. साधु से डियर चाइल्ड, गिव मी टू गोल्ड कॉइन्स टूवर्ड्स द एक्सपेंसेस फॉर द पूजा. देन विलेजर टू से मोस्ट सर्टेनली माय लॉर्ड, डेफिनेटली माय लॉर्ड मीन्स मेरे भगवान. संत को वो भगवान मानने लगा है. Ramapati says the villager takes out two gold coins and gives to the sadhu. Rama, ये सब तेनाली रामा जो है ये सब देख रहे हैं कि वो गांव वाला जो है वो दो सोने के सिक्के साधु को दे रहा है. The sadhu promptly pockets. Students, promptly means quickly. Promptly means क्विकली होता है और पॉकेट्स मीन्स पुट्स इन द पॉकेट. रामा वॉचेस एज द विलेजर टेक्स आउट टू गोल्ड कॉइन्स एंड गिव्स टू द साधु एंड साधु प्रॉम्प्टली पॉकेट द कॉइन एंड ब्लेस द विलेजर. साधु ने तुरंत ही अपने पॉकेट में रखे वो दो कॉइन्स और विलेजर को आशीर्वाद दिए. रामा जॉस्टर हिज मीन्स जॉस्टर का मीनिंग क्या होता है? पुशेस द क्राउड रफली. रामा जॉस्टर हिज वे थ्रो द क्राउड टूवर्ड्स द साधु एंड फॉल्स एज हिज फीट. रामा सभी भीड़ को बाजू में करते हुए एकदम जल्दी से साधु के चरणों में चले गए. मीन्स साधु के पैरों पे गिर पड़े. रामा से प्रोस्टेटिंग मीन्स लाइंग विद फेस डाउनवर्ड्स टू शो रिस्पेक्ट. मीन्स पूरा नीचे गिर के उनको प्रणाम करते हैं. कौन? तेनाली रामा साष्टांग दंडवत करते हैं. प्रोस्टेटिंग मीन्स दंडवत करते हुए योर होलीनेस, हे सन, यू आर द ग्रेटेस्ट सेंट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आप सबसे महान संत हो. ब्लेस मी ओ सुप्रीम सेंट. हे महान संत मुझे आशीर्वाद दो. ऐसा कौन कहता है? तेनाली रामा. रामा
says. Now Sadhu says highly pleased. Bahut means bahut khush hoke. Get up my child. Khade ho jao mere bacche. Then you are a true devotee. Tu mera bahut hi sachcha follower hai. I shall perform a puja to make you live young for 200 years. मैं तेरे लिए पूजा रखूंगा तुझे यंग रखने के लिए कितने इयर्स 200 साल तू यंग रहे इसलिए मैं तेरे लिए पूजा करूंगा फॉर डेट यू ओनली नीड टू गिव मी इसके लिए सिर्फ तुझे मुझे क्या देना होगा ये बोल नहीं जा रहा है इसके लिए तुझे मुझको देना होगा ऐसा दो As the sadhu speaks, Rama jumps forward and plucks out a hair from the sadhu's beard. Means जैसे ही वो बोलने जा रहा था कि तुम मुझे पूजा करने के लिए ये दे तो जैसे ये बोल रहा था रामा ने जंप किया और आगे गया और साधु की जो पेयर थी दाढ़ी थी उसमें से एक बार खींच के निकाल दिया साधु से क्राइज इन पेन में साधु दर्द से कर रहा है ऐसा उसने कर रहा है रामा सेज डजन लिसन टू द साधुस क्राइज साधु की जो चीख है वो रामा सुन नहीं रहा है ही holds the hair up proudly and addresses the crowd. He holds the hair up proudly and addresses the crowd. वो साधु के बीयर का जो हेयर है वो proudly ऊपर करता है और सारे क्राउड को पीपल्स को वो दिखाता है I am the luckiest man in the world. पूरी दुनिया में सबसे luckiest मैं हूँ द हेयर फ्रॉम दिस ग्रेट सेंट बियर्ड हैज द पावर टू मेक अस डायरेक्टली टू हेवन ये साधु की दाढ़ी का जो हेयर है वो मुझे डायरेक्ट कहाँ पे ले जाएगा स्वर्ग में ले जाएगा ही इज सच अ होली मैन ये सच में बहुत पवित्र आदमी है Every hair of his is a key to heaven. इसका जो हर एक हेयर है बाल है वो स्वर्ग की चाबी है मैनेजर टू सेज आई हैड रेदर गो टू हेवन देन गेट रिच इन दिस वर्ल्ड योर होलीनेस एलो मी टू प्लक अ हेयर एज वेल तो दूसरा मैनेजर दूसरा गांव वाला क्या कहता है मुझे भी स्वर्ग में जाना है ना कि अब मुझे रिच नहीं होना है पूरी दुनिया में रिच अमीर नहीं बनना है मुझे भी अब स्वर्ग में जाना है हे सर मुझे भी आपके आपका एक बार देने दो द विलेजर प्लक्स अ हेयर डिस्पाइट द साधुस प्रोटेस्ट मीन्स जो विलेजर है वो भी साधु का हेयर लेने के लिए जाता है ही लेट्स आउट अनदर क्राई ऑफ पेन बाद में साधु फिर से चीखने लगा विलेजर वन सेज वन ऑफ मी टू विलेजर वहां पे एक गांव वाला था उसने भी कहा मेरे लिए भी एक देन साधु सेज सॉरी People crowd around the sadhu and screams loudly. जो सारे पीपल्स थे वो साधु के अराउंड जमा हो गए and he screams loudly. और वो जोर से चिल्लाने लगे Then साधु says, screams means gives out a loud cry. वो जोर से चिल्लाने लगे साधु says, oh God, stop it, you fools. Means, हे भगवान ये बंद करो आप सब
मूर्ख हो। ऐसा पीपल्स को कहा इसने साधु ने। रामा से ट्राई हार्ड टू हाइड इस लाफ्टर। रामा अपनी हंसी को रोक रहे थे। माय लॉर्ड प्लीज टू नॉट डेनी योर डिवोटीज द कीज टू हेवन। मेरे भगवान हे संत अपने डिवोटीज को बाल लेने से मत रोको। ऐसा इसने कहा रामा तेनाली रामा ने कहा कि वो उसको पता था कि ये जो साधु है वो कैसा है फेक है, क्योंकि रियल साधु कभी ऐसे दूसरों की मदद करने के पैसे नहीं लेते। तो साधु ट्राइज टू एस्केप, साधु छुड़ाने के लिए ट्राई करने लगा। ही फॉल्स डाउन, वो अब नीचे गिर पड़ा। पीपल वुडन लेट हिम गो, पीपल्स जो है वो साधु को जाने नहीं दे रहे। ही समहाउ मैनेजेस टू रिगर आउट लिविंग पीसेस ऑफ हिज टॉर्न शर्ट इन द हैंड ऑफ द डिवोटी। वो जैसे जैसे लोगों की भीड़ में से छुटके भागने लगा तब फॉलोअर्स के हैंड में हाथों में साधु का शर्ट के पीसेस आ गए, टुकड़े आ गए, क्योंकि वो उन्होंने पकड़ के रखा था और साधु जो है वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो साधु का जो कुर्ता है वो फट जाता है और उसके पीसेस गांव वालों के हाथों में, डिवोटीज मींस फॉलोअर्स के हाथों में आते हैं। देन आगे होता है कि रिगल आउट लिविंग पीसेस ऑफ हिज फ्रॉम शॉर्ट इन द हैंड्स ऑफ द डिवोटीज। ही रन्स फॉर हिज लाइफ, पीपल चेयर्स हिम। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। रामा सेज आई होप यू नो, सॉरी आई होप यू नाउ नो हाउ होली हिज साधु वॉज। अब आपको पता चल गया कि ये जो साधु है वो कैसा था। देन ही वॉन्टेड ओनली योर मनी एंड गिफ्ट्स। उसको सिर्फ आपके मनी और आपके पैसे ही चाहिए थे। वो कोई रियल साधु नहीं था, ऐसा तेनालीरामा गांव वालों को कहता है। All of us can get rich by working hard. हम सब रिच अमीर कैसे हो सकते हैं? हार्ड वर्किंग करके, बहुत मेहनत करके ही हम अमीर बन सकते हैं। We don't need to pay sadhu and holy man for that. हमें कोई भी साधु या कोई महान संत को ऐसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप ज्यादा मेहनत करके अमीर बन सकते हैं। ऐसा कौन कहता है? तेनालीरामा। इसको कहता है सभी गांव वालों को। विलेजर टू सेज ओह माय टू गोल्ड कॉइंस। अब विलेजर टू ने तो अपने दो सोने के सिक्के दे दिए थे और वो सारा लेकर छोड़ के अमीर पीपल्स को छुड़ा के साधु का भी भाग गया है। तो विलेजर दूसरा गांव वाला जो है वो कहता है मेरे दो गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के। सो रामा कहता है, रामा सेज डोंट वरी द किंग्स मैन विल अरेस्ट द इम्पोस्टर, एवरीवन विल गेट देयर मनी बैक। मींस आप सब चिंता मत करो, राजा के जो आदमी है वो साधु को पकड़ लाएंगे और आप सब के पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। रामा गोस बैक टू द कोर्ट एंड टेल्स द किंग द होल स्टोरी। रामा सभा में वापस जाता है और राजा को ये सारी स्टोरी कहता है। सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल लेसन। नाउ वी रीड सम मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑफ दिस लेसन।